आप सबको मेरा नमस्ते ये एक स्पेशलिस्ट सेशन में मुझे लेना है क्योंकि पास्ट एक साल में हम लोगों ने बहुत सीखा है एच एस ने हमारी जो हेल्थ स्पोकन रिटोल टीम है बहुत ही हम लोगों ने फील्ड से सीखा हुआ है तो मुझे लगा कि हम लोग क्या सीख रहे हैं और क्या रिजल्ट है तो वो आपको भी बताना ज़रूरी है मेरे लिए तो आ, हम लोगों ने क्या किया है कि आ, जैसे आपने देखा पहले कि हमारी टीम आ, आईटी बॉम्बे की टीम जाके हेल्थ केयर वर्कर्स को ट्रेन करती थी मतलब हज़ार हेल्थ केयर वर्कर्स होते थे या कोई कितने भी होते थे गवर्नमेंट हम लोग को बताती थी कि इतने लोगों को ट्रेन करना है और मेरी जो टीम होती थी तीन चार जन की टीम सबको ट्रेन करती थी लेकिन हमें लगा कि ये एक टीम सब लोग पूरे भारत को ट्रेन नहीं कर सकती है तो आ, हम लोगों ने क्या किया कि हमारे जो प्रोफेसर कनन है उन्होंने एक पूरा सा फ्लो चार्ट बनाया और कैसे हम लोग अभी सबको ट्रेन करते हैं वो मैं आपको वो दिखाने वाली हूँ कि हम हम लोगों ने क्या कैसे हम लोग अभी डिस्ट्रिक्ट लेवल के साथ स्टेट लेवल के साथ हम लोग कभी कैसे काम करते हैं ठीक है तो, तो इसमें मैं यही आपको सिखाने वाली हूँ कि हम लोग कैसे एक्चुअली ये प्रोग्राम पूरा डिस्ट्रिक्ट लेवल और स्टेट लेवल के साथ करते हैं सबसे पहले तो जैसे हम लोग को डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या सी जो होते हैं डिस्ट्रिक्ट के वो आई आई टी बम्बे को दे कॉलर्स हम लोग को लेटर भेजते हैं आ, या ई मेल भेजते हैं और हम लोग को बताते हैं कि उनको इंटरेस्ट है तो जैसे ही वो ई मेल आता है तो हम लोग हमारा एम ओ यू चालू एम ओ यू की प्रोसेस चालू होती है और फिर यू नो वी स्टार्ट वर्किंग विद विथ गवर्नमेंट उसमें क्या होता है कि सबसे एक मह पहले महीने में हम लोग उनको आ, हमको थोड़े डेटा जो चाहिए गवर्नमेंट से जो हेल्थ के वर्कर्स है जो सीखने वाले हैं उनका थोड़ा डेटा हम लोग पहले मंगवाते हैं। तो ये पूरा प्लानिंग प्रोसेस में लगभग दो हफ्ते से दो हफ्ते से एक महीना लगता है ठीक है और ये जो डेटा हम मंगवाते हैं क्योंकि हम लोग दो तरह के अलग अलग एप्लीकेशन यूज़ करते हैं यू नो हमारे प्रोग्राम में एक तो एप्लीकेशन है वो सेफ एप्लीकेशन है जिससे हम लोग लोगों का एग्ज़ाम्स लेते हैं ठीक है ऑनलाइन एग्ज़ाम्स हम लोग लेते हैं और दूसरा जो एप्लीकेशन है वो क्यूडअल एप्लीकेशन है क्यूडअल एप्लीकेशन इट इज़ लाइक अ मेंटरिंग ऐप है फील्ड में जब ये लोग यूज़ करते हैं हेल्थ केयर वर्कर्स जब यूज़ करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि बच्चे का वजन क्यों नहीं बढ़ रहा है क्या करना है कौन सा वीडियो दिखाना है कौन सा क्या एडवाइस देनी है कभी वो बच्चे को वापस देखना है तो वो वो उसे क्यूडवेल एप्लीकेशन से पता चलता है ठीक है तो वो दोनों एप्लीकेशन को लागू करने के लिए हम लोग को थोड़ा सा यू नो गवर्नमेंट से डेटा हम लोग मांगते हैं तो एक बार वो डेटा आ गया हमारे पास फिर हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग गवर्नमेंट को लगभग हमारा तीन घंटे का जो ऑनलाइन मॉड्यूल है वो उनको भेजते हैं ठीक है तो उसमें हम लोग जब भी ऑनलाइन मॉड्यूल जब भी भेजते हैं तभी हम लोग उनको बताते हैं हेल्थ के वर्कर्स को कि आपके एरिया में जितने भी बच्चे हैं उसमें से तीन बच्चों को अडॉप्ट करना है ठीक है तो एक बच्चा तो जो प्रेगनेंसी में सेवन मंथ मदर है उसको अडॉप्ट करनी है दूसरा बच्चा है जो न्यू बॉर्न बच्चा है ज़ीरो टू तो सात दिन का बच्चा और तीसरा बच्चा होता है जो लगभग छः साढ़े पाँच से छः महीने के जो बच्चे होते हैं उनमें से एक बच्चे को उनको अडॉप्ट करना है और वो जो ऑनलाइन माध्यम से वो जो सीखे हुए हैं वो अभी उन उन बच्चों पे उन मदर पे प्रैक्टिस करना है ठीक है तो वो हमारा डू इट योर सेल्फ काइंड ऑफ मॉडल हो जाता है तो ये तो बिगिनिंग और दूसरा हम लोग बताते हैं गवर्नमेंट को कि ये जो हम लोगों ने जो मॉड्यूल भेजा है तीन घंटे का ऑनलाइन मॉड्यूल वो सब लोगों को एक साथ में बिठा के मतलब आ, सब सेंटर लेवल पर या तो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर लेवल पर जो भी लेवल पर उनको बिठा के वो तीन घंटे का मॉड्यूल उनको दिखाना है ठीक है उसके बाद क्या होता है कि उसके दो हफ्ते के बाद हम लोग सब लोगों का एग्ज़ाम लेते हैं मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल हर एक डिस्ट्रिक्ट में लगभग तीन हजार से ले कर पाँच हज़ार तक के हेल्थ के वर्कर्स होते हैं ठीक है ठीके? तो ये सारों को हम लोग को उसको एग्ज़ाम लेना है क्योंकि हम लोग को देखना है कि किसको इंटरेस्ट है किसको इंटरेस्ट नहीं है तो इसको हम लोग बोलते हैं टेस्ट ठीक है उसके बाद क्या होता है एक बार एग्ज़ाम ले लिया फिर गवर्नमेंट को हम वापस छः घंटे का मॉड्यूल देते हैं ठीक है अभी थोड़ा सा ज़्यादा तो वो छः घंटे के मॉड्यूल को अभी आ, आ, वापस हम गवर्नमेंट को बताते हैं कि कैसे वो दिखाना है कौन एट कौन से लेवल पे ग्रुप सेटिंग में देखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये सारा जो कॉन्टेंट है बहुत नया कॉन्टेंट है ठीक है जब तक वो नया नया कॉन्टेंट थोड़ी थोड़ी मा, मात्रा में नहीं देखेंगे पूरा अगर मैं तीस घंटे का मॉडल दे दूँगी तो घबर जाएंगे वो लोग इसीलिए हम लोग बहुत स्लोली स्लोली वो कंटेंट इंट्रोड्यूस करते हैं ठीक है तो ये छः घंटे का कंटेंट देने के बाद लगभग एक महीने के बाद हम लोग एक वापस एग्ज़ाम लेते हैं उसको बोलते हैं स्क्रीनिंग टेस्ट अभी उन्होंने दो एग्जाम मॉडल ले ली है आ, अभी हम लोग को सिलेक्ट करना है तो ये चार पाँच हज़ार जो लोग हैं जिन्होंने एग्ज़ाम दिए है सब यू नो हमारे जो कंटेंट देखे हैं उसमें से अभी हम लोग लगभग ढाई सौ से तीन सौ लोग हम लोग सिलेक्ट करेंगे ठीक है और सिलेक्ट करते हैं तभी हम लोग और ये एग्ज़ाम के रिजल्ट के माध्यम से हम लोग को उनको सिलेक्ट करते हैं और जब भी वो सिलेक्ट होके आते हैं तो तभी हम लोग क्या करते हैं कि उनको बताते हैं कि उनके जो जो तीन बच्चे थे अभी उनको दस बच्चे अडॉप्ट करने हैं ठीक है तो वो दस बच्चे का रजिस्ट्रेशन होना बहुत ज़रूरी है तो वो दस बच्चे में से तीन मदर्स जो होती है वो यू नो दो मदर्स होती है जो ए में होती है जो पाँच होता है जो पाँच बच्चे जो है न्यू बॉर्न टू तो सेवन डेज़ और जो तीन बच्चे हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग मतलब पूरा कहार के बच्चे जो होते हैं तो तीन बच्चे वो साढ़े पाँच से छः महीने के बच्चे को उनको अडॉप्ट करना है तो इस तरह हम लोग उनको सिखाते हैं कि कैसे वो बच्चों को रजिस्ट्रेशन करना है अभी जैसे हम लोग ने सिलेक्शन किया हम लोग उनको बुलाते हैं हमारे आ, आ, ट्रेनिंग सेंटर में ना ये ट्रेनिंग सेंटर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ट्रेनिंग सेंटर होता है गवर्नमेंट ओनली काइंड ऑफ प्लान करती है और जो टू फिफ्टी पीपल जो सिलेक्ट होके आए हैं उसमें से दूसरा हम लोगों ने यह भी किया है कि आ, अभी अभी एक नया सा हम लोग प्लान कर रहे हैं कि 250 पीपल बहुत टाइम ऐसा होता है कि दे डू नॉट अडॉप्ट बेबीज हम लोग की ट्रेनिंग के बाद भी वो लोग बच्चों को अडॉप्ट नहीं करते हैं तो अभी हम लोग का नया एक प्लान है कि हम लोग साढ़े तीन साढ़े तीन सौ लोगों को आ, उनका नाम देते हैं गवर्नमेंट को और जो ज़्यादा से ज़्यादा अडोप्ट करते हैं उन लोगों को ही हम लोग आ, आगे लेके जाते हैं ठीक है तो वो एक नया सा हमारा स्ट्रैटेजी चेंज हुआ है और जैसे अभी हम लोग टू फिफ्टी सेलेक्ट करते हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा बच्चे अडॉप्ट किए हैं वो लोगों को 40 40 के बैच में हम लोग हमारे ट्रेनिंग सेंटर में बुलाते हैं नाउ दिस ट्रेनिंग सेंटर इज़ बेसिकली अरेंज बाय डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और ये लोगों को तीन तीन दिन का ट्रेनिंग हम लोग देते हैं ये जो ट्रेनिंग होता है बिल्कुल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होता है पूरे चार पॉइंट पे हम लोग फोकस करते हैं बच्चे को कैसे ब्रेस्ट वीडिंग कराना तो प्रेग्नेंट मदर्स जो लैक्टेटिंग मदर्स होती है उनके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जाके उन पे सिखाते हैं दूसरा है कि ग्रोथ चार्ट कैसे प्लॉटिंग करना है डब्ल्यू एच ग्रोथ चार्ट वो आप सीखेंगे अभी ये एन पी कोर्स में आ रहा है कि कैसे वो प्लॉट करना है तीसरा हम लोग सिखाए सिखाते हैं कि प्रोटीन कैलकुलेशन कैसे करना है तो कैसे वो प्रोटीन कैलकुलेशन तो वो भी हम सिखाते हैं और जो चौथा वाला जो है, वो हम लोग सिखाते हैं कि कैसे उनको यू नो कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग जो होता है पूरा कहा कैसे उनको काउंसलिंग करना है ठीक है तो ये चार पे हम लोग पूरा वर्कशॉप करते हैं उनके साथ वर्कशॉप करते हैं इट्स नॉट थियोरी इतना नहीं है इट्स ऑल प्रैक्टिकल वर्कशॉप ठीक है तो इसपे उसके बाद हम लोग आ, उनको क्यूडअल जो एप्लीकेशन है उसके बारे में भी आ, उनको सिखाते हैं कि क्यूडल एप्लीकेशन कैसे उनको डाउनलोड uh, uh, करना है कैसे उनको साइन uh, इन करना है वो भी हम लोग उनको सिखाते हैं ठीक है फिर ट्रेनिंग uh, एक बार हो गई उनकी ब्रेस्ट फीडिंग की ट्रेनिंग हो गई यू you नो know, फिर सात दिन हम लोग उनको बोलते हैं कि uh, ये जो स्वयल जो एप्लीकेशन है उस पर थोड़ा प्रैक्टिस करो तो वो सात दिन थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं क्योंकि अलग अलग फॉर्म है क्या क्या करना है क्या, -क्या कर सकते हैं वो प्रैक्टिस करके वो सात दिन के बाद जो जो बच्चे उन्होंने अडॉप्ट किए थे जो बच्चों का रजिस्ट्रेशन था अभी उनको बताते हैं कि हमारे एल प्रोटोकॉल के हिसाब से वो बच्चे को फॉलोअप करना है ठीक है तो वो एल का प्रोटोकॉल भी हम लोग मैंने सिखाया है लास्ट सेशन में होगा आपके लास्ट हफ़्ते में ठीक है तो उसमें हम लोग यू नो मैंने बताया हुआ कि कैसे वो लर्निंग एक्शन प्रोटोकॉल जो बोलते हैं यू नो वो कैसे प्रोटोकॉल के हिसाब से बच्चे को देखना है क्या एक्शन लेनी है वो हम सिखाते हैं ट्रेनिंग में और वो बच्चे को फिर सारे जो दस बच्चे उनका डेटा वो लोग क्यूडवेल एप्लीकेशन में डालते हैं ठीक है और दूसरा क्या होता है कि यही जैसे वो ख़त्म हुई है हमारी ट्रेनिंग उसके साथ ही साथ हम लोग तीस घंटे का मॉड्यूल भी उनको देते हैं ओके गवर्नमेंट को देते हैं तो वो गवर्नमेंट फिर ये तीस घंटे का मॉड्यूल भी सारे जो ढाई लोग जो आए थे उनको हफ्ते में दो ढाई घंटा बुला के उनको वो सिखाते हैं ठीक है और एक बार ये अडॉप्ट हुआ बच्चा जैसे टेन दस मदर बेबी डायट जो अडॉप्ट हुए है वो लोगों को हम लोग बताते हैं कि ये बच्चों को लगभग तीन से चार महीना उनको फॉलो अप करना है क्योंकि हमको देखता है कि अगर ठीक तरह से उन्होंने फॉलो अप किया तो बच्चों का वजन बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है कितना बढ़ता है उन्होंने सीखा कि नहीं क्योंकि एक तो चीज़ है कि आपने चलो यूट्यूब पे कुछ वीडियो देखा और कुछ सीखा लेकिन वो जो सीखी है सिखाई है वो आप फील्ड में उसका रिजल्ट दिखाते कि नहीं उसके लिए हम लोग को ये आ, हमारा ये स्टेप्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ठीक है तो तीन चार महीने वो अडॉप्ट करते यू नो मॉनिटरिंग करते हैं ट्यूडवेल्स के माध्यम से सीखते हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से सीखते हैं तो अलग अलग माध्यम से हम उनको सिखाते हैं कि आ, कैसे बच्चे को पकड़ना है अगर ठीक है कि नहीं लैचिंग ठीक है कि नहीं ये ठीक नहीं है कि नहीं तो वो सब सिखाते हैं हम ठीक है और फिर तीन महीने के बाद हम लोग उनकी दो एग्ज़ाम्स होती है एक तो होती है एस एपी थियोरी एग्जाम होती है सौ मार्क्स की मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं तो वो हम लोग एग्जाम uh, लेते हैं जो तीस घंटे का जो मॉड्यूल दिया था उसके ऊपर हम लोग एग्जाम लेते हैं और जो दूसरा एग्जाम होता है वो प्रैक्टिकल एग्जाम होता है ठीक है तो वो प्रैक्टिकल एग्जाम्स एग्जाम्स मतलब वो जो तीन महीने जो बच्चों को अडॉप्ट किया था वो उनका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम ही है एक्चुअली तो उनका रिजल्ट हम देखते हैं कि कितने बच्चे कुपोषण से बाहर निकले कितने बच्चे कुपोषित हो गए कितने बच्चे अच्छा कर रहे हैं कौन से बच्चे अच्छा नहीं करे तो वो सब हम लोग यू नो ये एस और एस के माध्यम से हम लोग देखते हैं एक महीने के बाद लगभग हम लोग ढाई सौ में से लगभग पचास जन सेलेक्ट करते हैं हम लोग उसको बोलते हैं सुपर फिफ्टी ठीक है कई कई डिस्ट्रिक्ट में बहुत ज़्यादा लोग होते हैं कई डिस्ट्रिक्ट में कम होते हैं ठीक है लेकिन वो आ, उसके हिसाब से हम लोग यू नो आ, सिलेक्ट करते हैं और उनके लिए हम लोग वापस डिस्ट्रिक्ट में जाके उनका ट्रेनिंग करते हैं उनको बोलते हैं टी, टी ट्रेनिंग ऑफ द ट्रेनर्स ठीक है तो ये जो पचास लोग जो अभी सिलेक्ट हुए उनको दूसरों का ट्रेनिंग लगाए ठीक है सबके सामने कॉन्फिडेंटली बताना है सबके सामने उनको सिखाना है ग्रोथ चार्ट सिखाना है ब्रेस वेडिंग सिखाना है पूरा कार्ड सिखाना है प्रोटीन कैलकुलेशन सिखाना है कैसे सिखाना है वो उसकी ट्रेनिंग के लिए फिर हम लोग आते हैं ठीक है तो ये है हमारा पूरा जो इम्प्लीमेंटेशन फ्लो हम बोलते हैं तो ये हमारा प्रोग्राम है गवर्नमेंट के साथ आ, और बहुत सक्सेसफुल रहा है और इसके साथ में आपको अभी जो नाशिक में हमारी जो ट्रेनिंग हुई थी आ, हम लोगों ने नाशिक में लगभग नब्बे मेंटर्स और फैसिलिटेटर्स दिए हैं बहुत अच्छा उनका रिज़ल्ट है तो मैं आपको थोड़ा सा वो रिज़ल्ट भी अभी आ, मैं दिखाना चाहती हूँ रिज़ल्ट दिखाने के पहले Uh, मुझे ये बताना है कि जब भी हम लोग ये uh, ट्रेनिंग लेते हैं ऑनलाइन ट्रेनिंग और फेस टू फेस ट्रेनिंग तो उस पर हम लोग किस पे फोकस करते हैं हमारा फोकस ये है कि हम लोग क्रॉस ग्रिल टेक्निक पे बहुत फोकस करते हैं ऑफ ज़रा दूसरे भी होल्ड है साइड लाइन होल्ड है वो सब सिखाते हैं लेकिन हमारा फोकस वेरी मच क्रॉस ग्रिल टेक्निक पे है uh, उसके साथ हम लोग फोकस करते हैं कि बच्चे का वजन बढ़ा है कि नहीं क्योंकि जितना माँ का दूध बच्चे के पेट में जाएगा उतना बच्चे का वज़न बढ़ेगा ठीक है तो वो हम लोग मिल्क ट्रांसफर पे बहुत फोकस करते हैं मिल्क ट्रांसफ़र मतलब ट्रांसफर ऑफ दूध ओके मदर का दूध जो स्तन से आ रहा है वो बच्चे के पेट में जा रहा है कि नहीं वो उस पर बहुत फोकस करते हैं और हमें कैसे पता चलेगा कि बच्चे के पेट में दूध जा रहा है उसके वज़न से तो अगर अच्छी तरह वज़न बढ़ रहा है दिन का 40-50 ग्राम बढ़ रहा है उसका मतलब बच्चे को सही मात्रा में दूध मिल रहा है अगर चालीस ग्राम से कम बढ़ता है बच्चे का वज़न तो उसे बच्चे का ग्रोथ फॉल्टरिंग होने का चांस बहुत ज़्यादा है मतलब बच्चा नीचे आ जाएगा बच्चा बढ़ेगा नहीं जितना बढ़ना चाहिए उतना ठीक है तीसरा है प्रोटीन कैलकुलेशन Uh, जो प्रोटीन कैलकुलेशन है वो हम लोग uh, सिखाते हैं बहुत फोकस करते हैं कि प्रेग्नेंट मदर्स को कितना प्रोटीन चाहिए लैक्टेटिक मदर्स को कितना प्रोटीन चाहिए छः महीने के बाद जो बच्चे हैं उनको कितना प्रोटीन चाहिए तो ये सारे जो है वो उस पर हम फोकस करते हैं uh, छः महीने के बाद होम मेड पाउडर्स जो हम लोगों ने सिखाते हैं हम हम लोग तो उस पर भी फोकस करते हैं कि माँ ने वो प्रोटीन पाउडर बनाया कि नहीं बनाया कितना दे रही है यू uh, you know, uh, कौन कौन सा खाना उसमें यूज़ उस, uh, किया है तो वो सब उस पर फोकस करते हैं चौथा है कि हम लोग ग्रोथ चार्ट पे फोकस करते हैं ठीक है तो हम लोग ट्रेनिंग में डब्ल्यू एच ओ ग्रोथ चार्ट उनको सिखाते हैं ठीक है और एडिक्वेट टारगेट वेट गेन क्या होना चाहिए वो भी हम लोग उनको सिखाते हैं तो ये हमारा यू नो ग्रोथ चार्ट पे हम लोग फोकस करते हैं पांचवा पॉइंट है कि फील्ड में सब लोग जब भी हम पूछते हैं आंगनवाड़ी आशा एन एम सब लोग बताते हैं कि वज़न 500 ग्राम बढ़ना चाहिए महीने का 500 ग्राम बढ़ना चाहिए तो ये जो मिथ्या है कि 500 ग्राम बढ़ना चाहिए वो मिथ्या को हम लोग हम हमारी कोशिश है कि हम ये मिथ्या को निकालें एक्चुअली बच्चे का वजन एक से सवा किलो बढ़ना चाहिए तो अगर पाँच ग्राम बढ़ रहा है मतलब आपका बच्चा कुपोषित हो रहा है तो वो भी हम लोग उस पर भी बहुत फोकस करते हैं दूसरी मिथ्या ये है कि हम लोग पूछते हैं कि बच्चे का वजन कितना होना चाहिए जन्म पे तो सब लोग बोलते हैं ढाई किलो ये ढाई किलो नहीं होना चाहिए बच्चे का वजन सवा तीन से साढ़े तीन किलो जितना होना चाहिए बच्चे का वजन तो ये जो सारी जो अलग अलग जो मिथियाएँ हैं यू you नो know, तो वो मिथ्या पर हम लोग काम करते हैं यू नो दूसरा है कि ब्रेस्ट क्रॉल स्किल जो ब्रेस्ट क्रॉल तुरंत ही जैसे बच्चा पैदा होता है माँ के पेट पर पे वो डालना है बच्चे को तो कैसे माँ के पेट पे वो बच्चे को डालना है तो कैसे बच्चा वो आगे जाके दूध पीता है माँ के स्तन से दूध पीता है तो उस वो स्किल के बारे में भी हम लोग बहुत उस पर फोकस करते हैं ठीक है तो यहाँ पर मैं मेरा ये सेशन ख़त्म करती हूँ थैंक यू सो मच